केंद्रीय मंत्रिमंडलेन गहरे समुद्र मिशन इत्याख्यम अभियानम संस्तुतम। अर्थव्यवस्था भविष्यति दृढ़ा, कृषकेभ्यः महत्वपूर्णः निर्णयः। फॉस्फेटिक पोटैशिक चेति उर्वरकेभ्यः अपि पोषक तत्वाधारितं सौविध्यम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवाटेक इत्यस्य पंचमं संस्करणं समबोधयत्। उक्तं यत् उद्योगाय भारते उचित अवसरोऽस्ति। भारते तत्सर्वमस्ति यत् निवेशकाः अन्वेषकाः इच्छन्ति। कोरोना महामारीं सम्मुखीकर्तुं नवाचारः महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। देशे शनैः शनैः कोरोना महामार्याः स्थिति शैथिल्यम् उपयाति। अनवरतं नवमे दिवसे रोगिणां संख्या एकलक्षतोपि न्यूना। अधिकाः जनाः स्वस्थाः अभूवन्। स्वस्थता मितिः 80.95 मिता जायते। अर्थव्यवस्था दृशा सुखावह वार्ता। कोरोना महामारी काले अपि वर्तमान वित्ताब्दे प्रत्यक्ष कर ग्रहणं द्विगुणितं भूय 1.85 लक्ष कोटि जातम्। अग्रिम कर ग्रहणम् अपि 80.5 लाख कोट्यधिकम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेन इत्यसौ रूस देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह मेलनम् अकरोत्। राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यमुना कथितं यत् उपवेशनम् एतत् सकारात्मकम् आसीत्। संयुक्त राज्य अमेरिकाः प्रयासैः रूस देशाय दुष्परिणामः न भविष्यन्ति। यूरो स्पर्धा मालिकायाः समूह एकमेतस्य द्वन्द्वे इटली दलेन स्विट्जरलैंड दलं 0-1 पराजितम्। अपि च एकस्मिन् अपरे द्वन्द्वे वेल्स दलं तुर्की दलं पराजयत्। बेल्जियम नीदरलैंड डेनमार्क इत्येतेषां स्पर्धा अद्य। अभिवादये अहमस्मि रचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्र प्रशासनं ब्लू इकोनॉमी अर्थात नीलार्थ व्यवस्थां सुदृढीकर्तुं बृहत् सामुद्रिक परियोजनायै अनुमतिं प्रददाति। केन्द्र प्रशासनेन पोतानां व्यवस्थया नियमनेन च सम्बद्धाय इनलैंड वेसल इति विधेयकाय अपि अनुमतिः प्रदत्ता। अस्य अभियानस्य सुचारु प्रवर्तनाय 5 वर्षाणां समयः अस्ति, तथा च 77.4 कोटि रूप्यकाणां धनराशिः व्ययः भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् बृहत् सामुद्रिक परियोजना केन्द्र प्रशासनस्य नीलार्थव्यवस्थायाः समर्थनं करोति। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इसलिए ये मिशन भारत को नए युग में ले जाने वाला शोध के दुनिया में। सहैव केन्द्र प्रशासनेन कृषकाणां कृते अपि महत्वपूर्ण निर्णयोऽयं विहितः यत् कृषकेभ्यः फॉस्फेटिक पोटैशिक इति उर्वरकाणां कृते पोषक तत्वाधारितं अर्थसाहाय्यं NBS इति प्रदास्यते। अनेन डायमोनियम फॉस्फेट इत्यस्य सब्सिडी अर्थात अर्थसाहाय्यं 50 रूप्यकात् वर्धित्वा 12% अभवत्। मोदी जी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पार बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। 1200 रुपीज में मिलती थी बैग, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज हो गई। 2400 रुपीज में से 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे, तो 1900 रुपीज उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज सब्सिडी बढ़ा दिया।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना पञ्चमं वीवाटेक इति वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलनं सम्बोधितम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् कोरोना काले अपि प्रौद्योगिक्याः नूतनोद्योगानां क्षेत्रे च भारतं अहर्निशं प्रगतिः करोति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् वीवाटेक इति वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलनं यूरोपस्य सर्वोच्च प्रौद्योगिकी समारोहेषु अन्यतमम् अस्ति। 16-2000 अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं पेरिस् नगरे भवति। The role of our startup sector has been paramount. Let me give you India's example. When the pandemic hit our shores, we had inadequate testing capacities and shortage of masks, PPE, ventilators, and other such equipment. Our private sector played a key role in addressing this shortage. Our doctors adopted telemedicine in a big way so that some COVID and other non-COVID issues could be addressed virtually. अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् कोरोना महामार्याः काले प्रौद्योगिक्याः मानवतायाः रक्षणे साहाय्यम् अभवत्। प्रौद्योगिक्या कोरोना विरुद्ध प्रवर्तमाने युद्धे अपि साहाय्यं भवति। Two vaccines are being made in India and more are in the development or trial stage. On the government side, our indigenous IT platform, Arogya Setu, enabled effective contact tracing. Our COVID digital platform has already helped ensure vaccines to millions. Had we not been innovating, then our fight against COVID-19 would have been much weaker. We must not abandon this innovative zeal so that we are even better prepared when the next challenge strikes. प्रधानमन्त्रिणा इदमपि उद्घुष्टं यत् भारतं फ्रांस देशेन सह मिलित्वा विभिन्न क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वत् अस्ति। एतेषु क्षेत्रेषु प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे स्वयोगदानार्थं योजनाः प्रशंसिताः। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय लहरी क्रमे स्थिति भद्रायते। देशे प्रतिदिनं कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं दृश्यते। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् देशे विगते अहोरात्रे साकल्येन 24,200+ नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या आहत्य 32,475,000+8 लक्षमिता वर्तते। सहैव 28,600+7,100+1 लक्ष संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। विगत 24 होरासु 42,500+2000 संख्याकाः जनाः मृत्युं सम्प्राप्ताः। देशस्य स्वस्थता प्रतिशतता 95.80% संजाता। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदनुसारि भारते ह्यः 87,900+19,000 कोरोना प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि। तत्रैव ह्यः पर्यन्तम् आहत्य 170,900+63,000+38,000 कोटि कोरोना प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि। सहैव राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियाने साम्प्रतं यावत् 53,00,26,00,000+ जनेभ्यः कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। विगत 24 होरासु 58,00,48,000+ जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य सुचारु प्रवर्तनाय केन्द्र प्रशासनेन विभिन्नाः प्रयासाः अपि क्रियन्ते। कोरोना महामार्याः काले समाजस्य प्रत्येकस्य वर्गस्य जनाः संकटम् अपाकर्तुं स्वयोगदानं ददाति। केन्द्र प्रशासनेन जनाः निवेदिताः यत् सामाजिक संचार पटलेषु सूच्यौषध विषये याः मिथ्या सूचनाः प्रदत्ताः तासु विश्वासः न करणीयः। कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीय संचालकेन गौरव पांधी इत्यनेन ट्विटर इति
सामाजिक संचार पटले एका भ्रामक सूचना प्रसारिता। अस्याम सूचनायाम लिखितम् अस्ति यत् कोवैक्सीन इति सूच्यौषधस्य निर्माणे गोवत्सस्य रुधिरलस्याः प्रयोगः भवति। केन्द्र प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् एषः आक्षेपः पूर्णतः मिथ्या वर्तते। अस्मिन् विषये भारत बायोटेक इति संस्थया अपि स्पष्टीकृतं यत् सूच्यौषधानां निर्माणे गोवत्सस्य रुधिरलस्याः प्रयोगः नाभवत्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं जनेषु मिथ्या प्रचारं करोति, तेन कांग्रेस दलं निन्दितम्। जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है उस सेल को एनरिचमेंट अगर हमें साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। नूतन सूचना प्रौद्योगिकी नियमानाम अंतर्गते प्रशासनेन सर्वाः सामाजिक संचार संस्थाः सूचिताः यत् सर्वाभिः संस्थाभिः प्रदत्त समयावधौ एकः मुख्यानुपालनाधिकारिणः नियुक्तिः करणीया। यः जनानाम आवेदनानि श्रोतुं शक्नोति, तेषां समाधानं न कर्तुं शक्नोति। यदि सामाजिक संचार संस्थाः मुख्यानुपालनाधिकारिणः नियुक्तिं न करिष्यन्ति तर्हि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमस्य 79 अनुच्छेदानुसारी एतासां संस्थानां रक्षणं समाप्तं भविष्यति। ट्विटर इति सामाजिक संचार पटलस्य विधि संबद्ध संरक्षणस्य समापन विषये केन्द्र प्रशासनेन न कोऽपि आदेशः प्रदत्तः। कोरोना महामारी काले अपि अस्यै वित्तीय वर्षाय सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह जवीयस्यागत्या वर्धते। जून मासस्य 15 दिनांकं यावत् प्रचाल्यमाणस्य वित्तीय वर्षस्य कर संग्रह 170,885,000 कोटि रूप्यकात्मकः अभवत्। विगत वर्षे अस्मिन् एव कालावधौ एषः कर संग्रह 260,792,000 कोटि रूप्यकात्मकः जातः। अनेन सकल कर संग्रहस्य वृद्धिः प्रतिशतं 100.4 मिता संजाता। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।